क्या एक राजा को भी कर्मों का फल उसके हिसाब से ही मिलता है, या ये बात सिर्फ एक आम आदमी तक ही लागू होती है? हमारे मन में कई बार इस तरह के सवाल आते हैं। हमारे ग्रंथों में भी कई बार कर्मों के फल के बारे में बताया गया है। भगवान श्री राम के पिता महाप्रतापी राजा दशरथ के बारे में सभी जानते हैं। कहते हैं, एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए घर से बाहर गए। वे जंगल में तालाब से थोड़ी दूर जाकर शिकार की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने तालाब के पास आवाज सुनी और अपना धनुष उठाकर बाण चला दिया, जो एक युवक के जा लगा। और वो युवक और कोई नहीं, श्रवण कुमार थे, जो अपने माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए निकले थे। महाराज दशरथ ने उनसे क्षमा मांगी और उनके माता पिता को पानी पिलाने के लिए जा पहुंचे। राजा दशरथ आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे। राजा के कामों को श्रवण कुमार के माता पिता ने पहचान लिया। उन्होंने राजा दशरथ से अपने पुत्र के बारे में पूछा तो राजा दशरथ ने उन्हें सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया। इस घटना को सुनते ही श्रवण के माता पिता अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया। जिस प्रकार वे पुत्र वियोग की यातना सहन कर रहे हैं, उसी तरह एक दिन उन्हें भी अपने पुत्र से दूर होने पर इतनी पीड़ा होगी कि पुत्र वियोग में उनकी जान चली जाएगी। और कुछ समय बाद रानी कैकई द्वारा मांगा गया वचन इस श्राप को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध हुआ। रानी कैकई ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन। इसके बाद प्रभु राम जब वन को गए तो पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, जिस प्रकार से श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण गवाए थे। इस कहानी का सार मात्र इतना ही था कि यदि आप परम प्रतापी महाराज भी क्यों ना हो, भगवान सबको अपने कर्मों का फल उनके कर्मों के हिसाब से ही देता है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में किए होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, किसी भी कर्म को करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से सोच विचार कर लें, क्योंकि कर्म कभी भी किसी की जाति, भेद, रंग और वर्ण देखकर कार्य नहीं करता। माना जाता है, आप जो सृष्टि को देते हैं वही सृष्टि आपको वापस देती है। यदि आप इस संबंध में कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और अपने सुझाव लिखकर फेसबुक पर पोस्ट करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।